इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के कुलकर्णी भट्टे पर पिछले दिनों की गोलीकांड के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश और वर्चस्व के चलते युवक पर गोली मारकर प्राण घातक हमला किया गया था। पुलिस ने घटना पर इस्तेमाल देसी पिस्तल भी बरामद की है। पिछले दिनों परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के कुलकर्णी भट्टा पर दिन दहाड़े गोली मारकर युवक को घायल करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि फरियादी ललित मीणा का डिस्ट्रिक्ट बदमाश शरद गुरु का क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इससे पहले भी फरियादी की तरफ से कई बार पुलिस को शिकायत की गई थी। फरियादी ललित पर भी एक दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं। दिनांक 16 तारीख को कुलकर्णी के भट्टे पर रहने वाला एक जो व्यक्ति है ललित, इसको 3 लोगों ने इसके गोली मारी थी, इसको जिस पर से 3 लोगों के विरुद्ध 307 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इन लोगों के नाम हैं ललित श्रवण और विनय, ये 3 आरोपी हैं। ये भी वहीं के रहने वाले हैं कुलकर्णी भट्टे पे। तो इनके बीच में कुछ आपस की खींचतान को लेके कुछ आपसी अनबन थी, इस बात को लेकर इनके द्वारा फायर किया गया था। मजरूबा वर्तमान में अभी अस्पताल में इलाजरत है। तीनों आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया और इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पे इनके द्वारा बताया गया था कि ये जो जिस घटना में जो पिस्टल प्रयुक्त की थी इनके द्वारा, वो एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक गुरु जो है, गुरु उसके द्वारा, शरद गुरु जो है, जो कि थाना हीरानगर क्षेत्र में रहता है, उसके द्वारा प्रदाय की गई थी। तो इसमें एक शरद गुरु को भी धारा 120 के तहत इसमें आरोपी बनाया गया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 के साथ इसमें जेल प्रस्तुत किया गया, जहाँ से निर्माणी नाले द्वारा जेल भेजा गया है।